कलेक्शन होगा। सॉरी मैं सारी मीडिया वालों से मैं क्षमा माफ़ी मांगने की योजना करता हूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्शन जो है बहुत यूनिक है, बिकॉज इंटरनेट पे कपड़े आ जाते हैं, इससे आज आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन यहाँ रखा गया है, बट डेफिनेटली ऑफ कैमराज आप ऊपर आ सकते हैं। Rose has been inviting me to see his collection for quite some time now. Unfortunately, I've always been out of town. So I'm really looking forward to seeing his collection today. And yes, there's a new collection of watches also. अभी थोड़ी देर में पूनम मम्मा आने वाली है, she will be here. Then Sharon आके चलेगी. I think बहुत surprises हैं, राजू भैया आने वाले हैं. तो संभावना मेरा पूरा बिग बॉस गैंग, my family, सनी लियोनी आने वाली है, तो वो थोड़ी लेट आएंगी तो क्योंकि वो शूट कर रही है MMS शूट के लिए, और पर वो मीडिया से बात नहीं करेंगी, इन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने मेरे को बोला है शुड नॉट टॉक बट यू कैन ऑलवेज कवर आवर पिक्चर्स। मैं ये सोच रही थी कि रोहित कैसे कपड़े पसंद करेगा, वो आधे फटे हुए इधर लटके हुए ऐसे कपड़े पहनाता है ज़्यादातर, और कई बार बोलते हैं मैं बहुत स्वारोस्की वाला क्रिस्टल वाला कपड़ा बनाऊंगा आपके लिए, आज तक नहीं वैसे बनाए, बट आई डिसाइडेड बनाता है बहुत बनाता है, बहुत महंगे बेचता है, आइए लीजिए। रोहित ऐसा शख्स है जो मेहनती है, और मैं ये चाहती हूँ रोहित इतना बड़ा डिजाइनर बने, इतना बड़ा डिजाइनर बने कि सारे बड़े कपड़े मेरे बनाए। रोहित वर्मा का नाम अभी पूरे हिंदुस्तान में छा चुका है, बाहर भी लोग आ रहे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स अभी आजकल आते हैं पूछने भैया कुछ शादी का लेना है, कोई लहंगा लेना है, डायरेक्ट एक ही दुकान पे भेजते हैं हम लोग डायरेक्ट, आई थिंक अभी ये रॉकिंग कर रहे हैं। जीनत आंटी की शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, शायद गरारा मैं ही बनाऊँ उनका, बट मैं आशा करता हूँ मैं कि वो इतनी खूबसूरत इंसान है, मैं उनको इतना विश करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें शादी करके भी खुश रहे, और शादी नहीं भी करे तब भी खुश रहे।